गाइस गुड मॉर्निंग। टमाटर में सिर्फ ये एक चीज मिलाकर लगा लीजिए, आपका चेहरा बिल्कुल गोरा और बेदाग हो जाएगा। इनफैक्ट आपके स्किन पे जितनी भी पिगमेंटेशन है, ट्रस्ट मी, वो खत्म होने वाली है। पिंपल्स, एक्ने खत्म हो जाएंगे। आपकी स्किन विद इन अ वीक 2-3 शेड्स लाइटन हो जाएगी। तो कौन कौन मेरे इस 1 वीक चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, कमेंट करना। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को बिना स्किप करे स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो स्किप मत करिए, शेयर करिए और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, कैसे बनाना है और कैसे अप्लाई करना है। एक खाली बाउल में आपको लेना है क्लिनजिंग के लिए कच्चा दूध। कच्चा दूध क्या करता है, आपके पोर्स को डीपली क्लीन करता है, आपके जितने भी एक्नी हो गए हैं, पिंपल्स हो गए हैं, उनसे फाइट करता है, आपकी स्किन को स्मूथ और सफल बनाता है, आपकी स्किन पे ग्लोइंग टेक्सचर देता है। और हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटो पल्प। तो टमाटो पल्प में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो आपके फ्री रेडिकल से लड़ती है। आपके स्किन में जितनी भी पिगमेंटेशन है, काली परत जम गई है, आपके पोर्स में जितनी भी गंदगी जम गई है, उसको डीपली जाकर अच्छे से क्लीन करती है। क्योंकि जब भी हम कोई स्क्रबिंग करते हैं या पैक लगाते हैं, तो उससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना। क्योंकि अगर आप अपने क्लीन फेस पर कुछ चीज अप्लाई करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट देगी। तो इनको अच्छे से मिक्स करिए, कॉटन बॉल डिप करिए और इस तरीके से अपने फेस पे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से अपने फेस को क्लीन करिए। फेस के साथ नेक और ईयर्स को भी अच्छे से क्लीन करिए। अब बारी आती है हमारे सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप के लिए आपको लेना है सबसे पहले टमाटो। टमाटो पे हमें क्या डालना है, चीनी। लेकिन मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ भूरा चीनी का, क्योंकि मेरी स्किन को सूट नहीं करती है चीनी, बहुत ओवर सेंसिटिव है तो पिंपल्स एक्ने बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैंने इस्तेमाल करा है भूरा चीनी। भूरा चीनी मार्केट वाली नहीं, चीनी को ही बल्कि मिक्सी में ग्राइंड कर दिया है। देन अब मैं यूज करूंगी 1 ड्रॉप एलोवेरा। अब इसको क्या करना है, टमाटो को हल्का हल्का स्क्वीज करना है और अपने फेस पे रब करना स्टार्ट कर देना है। इससे टमाटो का जूस बाहर आता रहेगा, चीनी का इफेक्ट यानी जो भूरा चीनी है, जो चीनी को हमने ग्राइंड करा है, उससे आपकी जितनी भी डेड लेयर है वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगी। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को स्मूथ और सफल बनाएगा और पिंपल फ्री बनाएगा। तो आपको भी सेम इसी तरीके से अपने फेस को रब करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप रब करते जाएंगे, आपको खुद अपनी स्किन के टेक्सचर में इतनी स्मूथनेस फील होगी। इनफैक्ट ये आपके जो ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से रिमूव करेगा। आपकी जितनी भी काली परत आ गई है, आपकी जितनी भी डेड लेयर जम गई है ना स्किन पर, ये मार्केट वाले स्क्रब से डबल बेटर काम करेगा आपकी स्किन पर। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे रब करती जा रही हूँ, मेरी स्किन का कलर कितना स्मूथ और कितना साफ होता जा रहा है। वाओ, 2 दिन में अपना इफेक्ट दिखाए और फिर गायब हो जाए। तो इसको हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट मसाज करने के बाद अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से इस तरीके से अपने फेस को टैप करिए, ताकि जितना भी जूस आपके फेस पर आया है वो सारा अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आप नॉर्मल ठंडे पानी से अपने फेस को धो लीजिए। धोने के बाद अब बारी आती है हमारे 3rd स्टेप की, जो है पैक। अब पैक बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, 1 चम्मच बेसन। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लाल मसूर दाल का पाउडर। लाल मसूर दाल का जो पाउडर होता है, ये आपकी स्किन के कलर को लाइटन करता है। 101% गारंटी दे रही हूँ, जो भी आपकी स्किन का टेक्सचर है, कलर है, वो 2-3 शेड्स लाइटन हो जाएगा अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, ये आपकी स्किन के कलर को लाइट करता है, आपकी स्किन को स्मूथ और सफल बनाता है और एंटी एजिंग का काम करता है। मतलब आपकी स्किन पर समय से पहले बुढ़ापा बिल्कुल नहीं आएगा, आपकी स्किन जो बेजान हो गई है उसमें जान आ जाएगी। ट्रस्ट मी, आपकी स्किन पर इतना ज्यादा ग्लो आएगा, इनफैक्ट आपकी ये सारी पिगमेंटेशन को, सारी काली परत को उतार देगा। यहाँ पे जो मैंने टमाटो का जूस निकाला हुआ था वो मैं इसमें ऐड करूंगी 1 स्पून, और साथ में हमें इसमें ऐड करना है कुछ ड्रॉप्स लेमन की। अगर आपकी स्किन को सूट करता है तो ठीक है, अदरवाइज आप यूज मत करिएगा, आप इसमें रोज वाटर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको फिंगर टिप्स पे लीजिए और जैसे मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से अपने पूरे फेस पे नेक पर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के 15 मिनट तक आपको कोई भी किसी से बात नहीं करनी, कोई फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं देने, क्योंकि अगर आप फेस पैक लगा के ये सब चीजें फॉलो करते हैं उससे आपके फेस पे जल्दी एजिंग आती है, तो इस चीज का ध्यान रखें। गाइज आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर इतना ही पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और साथ में अपनी लाइव फोटो बिफोर एंड आफ्टर सेंड करना मत भूलना, ठीक है? तो प्लीज टिप्स जरूर फॉलो करिएगा, ऐसी बहुत सारा खुश रहें। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।